गुरुधारी। बाई बेना रोमोलू जय माँ गंगे जय बाबा केदार। दोस्तों कांवड़ यात्रा 2024 का बहुत सुंदर नज़ारा देखिए। गंगोत्री से केदारनाथ कांवड़ लेके जा रहे हैं। देखिए आजकल बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और ये नदी नाले बहुत जगह जगह आ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देखिए हमारे भोले भक्त कांवड़िया किस तरह से नाले को पार कर रहे हैं। बहुत संभल के चलना पड़ता है, आप देख सकते हैं। हमारे सभी साथी लगातार गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर यात्रा है, 8 से 10 दिन की यात्रा। जोर से लगाओ जरा जयकारा, बोले बोल बम 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 बोल बम मृतारी मेरा बोला भंडारी। पट्टी है अब ये विनय खाल में पड़ता है, केमर बासर है ये मंदिर है, शिवालय नीचे। यहाँ पे लकड़ी का पुल बना है नाले पे, देखिए किस तरह से इसको पार करके भोले एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। जय भोलेनाथ जय बाबा केदार। और दोस्तों मुझे भी 2 बार सौभाग्य मिला है गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम पैदल कांवड़ यात्रा में जाने का। जय भोलेनाथ पार करा दिया। और ये पहुंच चुके हैं बाबा भैरव के दिव्य स्थान हटकुंडी के सौड़ में। ये देखिए कितना सुंदर बुग्याल यहाँ पे है, वो हमारे भोले यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य नज़ारा देखिए दोस्तों। जय भोले की। आज का कांवड़ संग गुत्तू से कौवाली के लिए प्रस्थान। जय बाबा केदार। जय भोले की। जय भोले की। जय भोले की। ये है गुत्तू भेलंगना नदी, गुत्तू भेलंगना। जय बाबा भोलेनाथ बाबा, हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ बाबा, हर हर महादेव। महादेव। तो महाराज अब ये कौवाली की चढ़ाई है। अब हम जो हैं गुत्तू से, रात को गुत्तू में विश्राम था, यहाँ से हमारा दल अब जो है कौवाली के लिए रवाना हो चुका है। जय भोले। और इस पड़ाव को सबसे कठिन माना जाता है चलने के लिए चढ़ाई के साथ है। तो भोलेनाथ की कृपा होगी और चल दिए हैं कांवड़ी। जय भोले की। जय भोले। हेलो भाई बेना रोमोलो ताकू जी टूरा लो, भाई बेना रोमोलो। और देखिए यहाँ पे आपदा से रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था दोस्तों। प्यार और यहाँ पे किस तरह से रस्सी का सहारा लेकर के जो है उतरना पड़ रहा है भोलों को। ये आप देखिए कई परेशानियां भी आती है रास्तों में।
लेकिन तब भी भोले आगे बढ़ते हैं। आराम से गिरना मत, आराम से आओ। अर्कुंडी भैरव में संध्या की आरती जल की, और उसके बाद में मंदिर की आरती होगी 7:30 बजे। केदार का समय होता है, यहाँ का भी समय बताया है यहाँ के पुजारी जी कंसाल जी ने। और देखिए यहाँ पर अपने अपने जल की आरतियों के लिए सभी शिव कांवड़िए यहाँ पर अपने अपने जलों की आरती करते हैं संध्या की। और ये हटकुंडी का सौर बहुत ही, देखो गुरुदेव भी आरती में व्यस्त हैं। और इसके बाद 7:30 बजे यहाँ अंदर भैरव बाबा के मंदिर में की आरती होती है। और यहाँ पर ये भंडारे वाले लोग भी हैं जिनके द्वारा यहाँ पर भंडारा लगाया गया। और ये देखिए आज यहाँ कितना सुंदर बुग्याल, देखिए मंदिर के आगे, मंदिर के प्रांगण के नीचे कितना सुंदर सा बुग्याल। इसका और पीछे से, मंदिर के पीछे से बहुत घना घोर बांज और बांस का जंगल, जिसकी छटा देखते ही बनती है जय भैरव बाबा।